तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मिनी अटेम्प्ट ई क्लासेस चैनल पर। जैसा कि आप जानते हैं, मैं आप सभी को इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट लेक्चर्स मिनी अटेम्प्ट पर एमएसएन के मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग के एनाटॉमी फिजियोलॉजी के देता रहता हूँ। तो उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ने वाले हैं एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है स्टोमाटाइटिस। स्टूडेंट्स, आज से हम डाइजेस्टिव सिस्टम के डिसऑर्डर स्टार्ट करने वाले हैं। आज से डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड डिसऑर्डर हम स्टार्ट करेंगे, रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड डिसऑर्डर, उसके अलावा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम से रिलेटेड डिसऑर्डर हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए एक पॉजिटिव थॉट के साथ में हम क्लास की शुरुआत करेंगे, जो आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा कि जिंदगी में सबसे बड़ा चैलेंज उसी काम को करने में आता है जिसे देखकर लोग कहते हैं यह तुम्हारे बस का नहीं है। स्टूडेंट, हमेशा याद रखिए, चैलेंज हमेशा ऐसा होना चाहिए, चैलेंज इतना मजेदार होना चाहिए कि लोग, सामने वाले, दुनिया वाले बेटा ये कहें कि ये तेरे बस की बात नहीं है, लेकिन तुम उसके लिए जी जान लगा दो और एक दिन उसको प्राप्त कर लो, तो वही लोग जो आपसे कह रहे थे तेरे बस का नहीं है, वही लोग बेटा तुम्हारी तारीफ के पुल बांधेंगे। तो बस उसी दिन का बेटा इंतजार है मुझे भी और आपको भी। जिस दिन बेटा आपका रिजल्ट आएगा, जिस दिन आप यूनिवर्सिटी में बेटा मिनी अटेम्प्ट ई क्लासेस का, अपने माता पिता का, सबका बेटा नाम रोशन करोगे, उस दिन ये क्लास जो ये रात को 10 बजे से 11 बजे वाली जो क्लास है वो सफल होगी। इस क्लास की गुरु दक्षिणा बेटा मुझे उस दिन आपको मिल जाएगी, ठीक है, मुझे उस दिन आपसे गुरु दक्षिणा बेटा मिल जाएगी। चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले सभी को बेटा मेरा गुड इवनिंग, सभी को वेरी गुड इवनिंग। ज्यादा टाइम ना निकालते हुए हम क्लास की शुरुआत करेंगे, ठीक है, क्योंकि हम डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ने वाले हैं, इसलिए थोड़ा सा डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, थोड़ी इसकी एनाटॉमी के बारे में बता देता हूँ। भाई जनरली जब हम कोई भी डिसऑर्डर पढ़ते हैं तो वो डिसऑर्डर कहीं ना कहीं हमारे नॉर्मल सिस्टम की डेफिशिएंसी, नॉर्मल सिस्टम के डैमेज होने से, नॉर्मल फंक्शंस के डैमेज होने से होता है, ठीक है। तो देखिए डाइजेस्टिव सिस्टम होता क्या है, ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम का मतलब ऐसा सिस्टम जो हेल्प करता है, किसमें हेल्प करता है, हेल्प इन डाइजेशन, डाइजेशन में हेल्प करता है, किसमें हेल्प करता है बेटा, ये डाइजेशन में हेल्प करता है। अब बात आती है डाइजेशन क्या है, अब बात आती है डाइजेशन क्या है, तो डाइजेशन का मतलब होता है, डाइजेशन का मतलब होता है कन्वर्ट, कन्वर्ट कॉम्प्लेक्स फूड इंटू सिंपल एब्जॉर्बेबल, एब्जॉर्बेबल फॉर्म। याद रखिएगा, याद रखिएगा, कन्वर्ट करना, सिंपल कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फॉर्म में, सिंपल एब्जॉर्ब फॉर्म में एब्जॉर्ब करना ही, सॉरी चेंज करना ही, बदलना ही क्या कहलाता है, डाइजेशन कहलाता है। तो डाइजेशन का मतलब क्या होता है, कन्वर्ट कॉम्प्लेक्स फूड इनटू द सिंपलेस्ट एब्जॉर्बेबल फॉर्म, मतलब कॉम्प्लेक्स फूड को इस प्रकार के एब्जॉर्बेबल फूड में कन्वर्ट कर देना जिससे कि वो आराम से डाइजेस्ट हो सके, जिससे कि वो आराम से एब्जॉर्ब हो सके। और ये जो एब्जॉर्प्शन का काम होता है, जो एब्जॉर्प्शन का काम होता है वो कौन करता है, इंटेस्टाइन करती है, कौन करता है, इंटेस्टाइन करती है, जो एब्जॉर्प्शन का काम होता है वो इंटेस्टाइन करती है। अब मैं आपको बताता हूँ बेटा पाथवे ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, क्या बताने वाला हूँ पाथवे, एक थोड़ा सा बस इंट्रोडक्शन दे रहा हूं, पाथवे ऑफ डाइजेशन, पाथवे ऑफ डाइजेशन बता रहा हूं। तो पाथवे ऑफ डाइजेशन की बात करें तो सबसे पहले आता है बेटा माउथ, सबसे पहले क्या आता है, माउथ, माउथ के बाद में क्या आएगा, फेरिंग्स, फेरिंग्स के बाद में क्या आएगा, ईसोफेगस, ईसोफेगस के बाद में क्या आता है, स्टमक, स्टमक के बाद में स्मॉल इंटेस्टाइन, उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन, उसके बाद सीधा बेटा एनस। ये एक क्या है, पाथवे है, ये क्या है, पाथवे है, काय का पाथवे, डाइजेशन का पाथवे, माउथ, फेरिंग्स, ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, एनस, ये सब क्या है बेटा, पाथवे ऑफ डाइजेशन, क्या है ये, पाथवे ऑफ डाइजेशन। अब यहीं पर आपको छोटे 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 क्वेश्चन बता देता हूं जो आपके एमसीक्यू के लिए इंपोर्टेंट है, जो आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए इंपोर्टेंट है, जैसे कि माउथ, माउथ क्या है बेटा, फर्स्ट, माउथ क्या है, फर्स्ट डाइजेस्टिव
फर्स्ट डाइजेस्टिव ऑर्गन, मतलब पहली बार जो डाइजेशन की शुरुआत होती है, पहली बार जो डाइजेशन स्टार्ट होता है वो माउथ से ही होता है। कहां से होता है? माउथ से होता है। फिर बात आती है देखिए फेरिंग्स की, तो फेरिंग्स जो होते हैं उसके तीन पार्ट होते हैं, छोटे छोटे स्मॉल स्मॉल बेसिक चीजें बता रहा हूं। फेरिंग्स के तीन पार्ट होते हैं, नंबर एक नेजो फेरिंग्स, दूसरा पार्ट है इसका ओरो फेरिंग्स, और तीसरा पार्ट है इसका लेरिंगो फेरिंग्स। ठीक है, तीन पार्ट होते हैं फेरिंग्स के, तीन पार्ट होते हैं नेजो फेरिंग्स, ओरो फेरिंग्स और लेरिंगो फेरिंग्स। कौन कौन से? नेजो फेरिंग्स, ओरो फेरिंग्स और लेरिंगो फेरिंग्स। अब ये नेजो फेरिंग्स कौन सा होता है? ये कहां प्रेजेंट होता है बेटा? बिहाइंड दी नोज, बिहाइंड दी नोज, नोज के पीछे की तरफ होगा। ओरोफेरिंग्स बिहाइंड बिहाइंड द ओरल कैविटी, ओरल कैविटी, और लेरिंगोफेरिंग्स बिहाइंड द लेरिंग्स। लेरिंग्स क्या है बेटा? साउंड बॉक्स को बोलते हैं, साउंड बॉक्स, जहां से ऊपर के आवाज बनती है। ये छोटे छोटे से क्वेश्चन है, ये छोटी छोटी सी चीजें हैं डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड जो मैंने आपको बेटा यहाँ पर बता रहा हूं, जो मैंने आपको बता दिया है। उसके अलावा अगर हम इसोफेगस की बात करें तो इसोफेगस क्या है? इसोफेगस क्या है? इसको बेटा फूड पाइप बोलते हैं। छोटे छोटे से क्वेश्चन है लेकिन बड़े बड़े बेटा नंबरों को ये दिलवाते हैं। तो फूड पाइप बोलते हैं इसोफेगस को, फूड पाइप बोलते हैं। लंबाई होती है इसकी 25 सेंटीमीटर, लेंथ कितनी होती है इसकी? 25 सेंटीमीटर। क्लियर है? उसके बाद स्टमक, स्टमक की अगर हम बात करें तो स्टमक के बेटा अलग अलग पोर्शन होते हैं। कौन कौन से? सबसे पहला है फंडस, दूसरा बॉडी, और तीसरा पाइलोरिक या पाइलोरस या पाइलोरस पार्ट। फंडस, बॉडी और पाइलोरस पार्ट, स्मॉल इंटेस्टाइन के तीन पार्ट होते हैं, वैसे स्टमक के पांच पार्ट होते हैं। इसके बारे में और आपको डिटेल में पढ़ना है, यदि स्टमक के बारे में अगर आपको डिटेल में पढ़ना है, पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, उसकी एनाटॉमी के बारे में यदि डिटेल में पढ़ना है, तो आप बेटा मेरी वीडियो को, प्रीवियस वीडियो को आप देख सकते हो। डाइजेस्टिव सिस्टम में मैंने आपको वीडियो बना रखी है, लेकिन इस समय मैं एमएसएन पढ़ा रहा हूँ, इसलिए एक बेसिक इंट्रो दे रहा हूँ, एक बेसिक इंट्रो दे रहा हूँ। ठीक है, क्लियर है? अब स्मॉल इंटेस्टाइन के तीन पार्ट कौन से हैं? सबसे पहला है ड्यूडेनम, दूसरा है जुजनम, और तीसरा है इलियम। तो ड्यूडेनम, जुजनम और इलियम तीन पार्ट होते हैं, ध्यान रखना। लार्ज इंटेस्टाइन के कितने पार्ट होते हैं? इसके भी तीन पार्ट होंगे। कौन कौन से? सीकम, कोलन और रेक्टम। सीकम, कोलन और रेक्टम, इस तरीके से बेटा इसके तीन पार्ट होते हैं। क्लियर है? तो एक छोटा सा मैंने आपको इंट्रो दे दिया, छोटा सा इंट्रो दे दिया मैंने आपको, ठीक है, एक छोटा सा इंट्रो दे दिया, एक पाथवे बता दिया कि माउथ से लेकर के डाइजेशन स्टार्ट होता है और एनस पर जाकर के ये पूरा डाइजेस्टिव पाथवे, डाइजेस्टिव ट्रैक कंप्लीट होता है, डाइजेस्टिव ट्रैक कंप्लीट होता है। ठीक है, अगर हम इस डाइजेशन की ही बात करें, अगर हम इस डाइजेशन की बात करें तो देखिए माउथ, जो माउथ होता है जिसे हम ओरल कैविटी के नाम से भी जानते हैं, ओरल कैविटी के नाम से भी जानते हैं, इस ओरल कैविटी की खासियत यह है कि यहां पर क्या होता है बेटा? फर्स्ट डाइजेशन होगा यहाँ पर। पहली बार डाइजेशन स्टार्ट यहीं पे होता है, पहली बार डाइजेशन स्टार्ट यहीं पर होता है। और दूसरी मैं आपको खासियत बता दूं, यहां पर क्या होता है, जो स्टार्च होता है उसको माल्टोज में कन्वर्ट किया जाता है, स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट किया जाता है। किसके द्वारा? एक एंजाइम है जिसका नाम है टाइलिन, एक एंजाइम है टाइलिन या सेलाइवरी एमाइलेज, इसी के द्वारा बेटा ओरल कैविटी के अंदर स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट किया जाता है। फर्स्ट डाइजेशन बेटा यहीं से शुरू होता है। ठीक है, उसके बाद अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि लास्ट डाइजेशन कहां होता है, तो लार्ज डाइजेशन होता है जुजनम में, या हम कहें सीधे सीधे बेटा स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। ठीक है, मेनली अगर हम स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करें तो इसके अंदर बेटा एब्जॉर्प्शन का काम होता है। क्लियर है? एब्जॉर्प्शन का काम होता है। अगर हम वाटर के एब्जॉर्प्शन की बात करें, ठीक है, वाटर का एब्जॉर्प्शन की अगर हम बात करें, तो जो वाटर का एब्जॉर्प्शन होगा
वो मोस्टली बेटा स्टमक के अंदर हो जाता है, स्टमक के अंदर स्टार्ट हो जाता है, वाटर का एब्जॉर्प्शन स्टमक के अंदर स्टार्ट हो जाता है। इसलिए जब कोई व्यक्ति अल्कोहल लेता है तो उस व्यक्ति के अंदर डायरेक्टली स्टमक के द्वारा अल्कोहल कहाँ मिल जाता है बेटा, ब्लड में, ब्लड में, और ब्लड से चला जाता है बेटा ब्रेन में, ब्लड से चला जाता है ब्रेन में, और पेशेंट को नशा होने लगता है, पेशेंट को क्या होने लगता है बेटा, नशा होने लगता है। क्लियर है, क्लियर है। चलिए तो ब्रेन की वजह से क्या होगा बेटा, ब्रेन की वजह से क्या होगा, उसको सेडेशन आएगा, सेडेशन यानी नशा होगा, ठीक है, नशा होगा। क्लियर है, क्लियर है। अगर आपसे बेटा क्वेश्चन पूछ लिया जाए, लेंथ ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन की लंबाई बताइए, तो 6 मीटर कितनी होती है बेटा, 6 मीटर होती है, ध्यान रखना 6 मीटर होती है, ठीक है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए ईसोफेगस की लंबाई, बेटा बेसिक चीजें बता रहा हूं, ईसोफेगस की लेंथ कितनी होगी, ईसोफेगस की लेंथ कितनी होगी, तो 25 सेंटीमीटर की लेंथ होती है, ध्यान रखना 25 सेंटीमीटर की लंबाई होती है, इस बात को भूलना नहीं कभी भी, 25 सेंटीमीटर लंबाई होती है। उसके अलावा 25 सेंटीमीटर कई ऑर्गन की लंबाई होती है, कई ऑर्गन की लंबाई होती है, जैसे कि ड्यूडेनम की, उसके अलावा ड्यूडेनम जानते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला पार्ट, दूसरा, दूसरा बेटा किसकी होती है, दूसरा होती है ईसोफेगस की, जो कि मैं पहले ही बता चुका हूं, तीसरा यूरेटर की, यूरेटर की, यूरेटर्स की, यूरेटर्स क्या होते हैं, किडनी से यूरिन को ब्लैडर तक ले जाने वाले, और उसके अलावा फिर और किसकी 25 सेंटीमीटर लंबाई होती है, इंपोर्टेंट है बेटा, इंपोर्टेंट है, स्टार पॉइंट बना लीजिए, इंपोर्टेंट है, स्टार पॉइंट बना लो, स्टार पॉइंट बना लो, ठीक है। और अगला किसकी होती है, स्टमक की, याद रखना स्टमक की लंबाई भी 25 सेंटीमीटर होती है, स्टमक की लंबाई भी बेटा कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर होती है। क्लियर है, क्लियर है। ये कुछ चीजें बता रहा हूँ, कुछ इंपोर्टेंट चीजें बता रहा हूँ। अच्छा, अगर शेप पूछा जाए, शेप ऑफ स्टमक, शेप ऑफ स्टमक, तो आंसर आएगा क्या, जे शेप, जे शेप, आंसर क्या आएगा बेटा, जे शेप आएगा, ठीक है, जे शेप आएगा, ध्यान रखना। अच्छा, ये सारे क्वेश्चन मैं इसलिए भी बता रहा हूँ क्योंकि आपके एमसीक्यू आते हैं ना 5 नंबर के, आपके 5 से 10 नंबर के एमसीक्यू आते हैं, उसके अलावा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये इंपोर्टेंट है, कॉम्पिटिटिव के लिए बेटा ये इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना, कॉम्पिटिटिव के लिए इंपोर्टेंट है, ठीक है। तो ऐसे ही कुछ बेसिक्स मैंने जब देखा कि भाई कुछ बेसिक आपको बता देना चाहिए, बेसिक आपको बता होना चाहिए, इसलिए बता रहा हूँ, ठीक है, इसलिए बता रहा हूँ, मैंने महसूस किया इसीलिए बता रहा हूँ। बाकी का हम मेन पढ़ने वाले बेटा डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड डिसऑर्डर, मेनली हम पढ़ेंगे डिसऑर्डर या बीमारियों के बारे में, ठीक है, मेनली हम पढ़ेंगे डिसऑर्डर या बीमारियों के बारे में। क्लियर बेटा, यहाँ तक क्लियर है, क्लियर है। उसके अलावा अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए लार्ज इंटेस्टाइन की लंबाई, लार्ज इंटेस्टाइन की लंबाई, तो लार्ज इंटेस्टाइन की लंबाई होती है 1.5 मीटर, 1.5 मीटर। अब आपने गौर किया 6 मीटर स्मॉल इंटेस्टाइन की थी, लार्ज इंटेस्टाइन की 1.5 मीटर, लेकिन फिर भी लार्ज इंटेस्टाइन को लार्ज बोल रहे हैं क्योंकि इसका डायमीटर ज्यादा होता है, जो लार्ज इंटेस्टाइन है ना उसका डायमीटर ज्यादा होता है। क्लियर है बेटा, क्लियर है, आगे बढ़े, क्लियर है, आगे बढ़े, ठीक है। उसके अलावा, उसके अलावा एक क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन आता है कि यदि किसी पर्सन में, यदि किसी पर्सन में इन्फ्लामेशन हो रहा है, यदि किसी पर्सन में इन्फ्लामेशन हो रहा है तो इन्फ्लामेशन के लिए कौन सा टर्म यूज करेंगे, इन्फ्लामेशन के लिए कौन सा टर्म, या हम कहें कौन सा उपसर्ग लगेगा, यानी कौन सा आप सफिक्स लगाओगे, सफिक्स कौन सा लगाओगे, तो आइटिस लगेगा बेटा, कौन सा लगेगा, आइटिस, आइटिस का मतलब होता है इन्फ्लामेशन, आइटिस का मतलब होता है इन्फ्लामेशन, तो उसी से रिलेटेड आज डिसऑर्डर पढ़ा रहा हूँ। तो आज के लिए हम पढ़ने वाले हैं, आज हम पढ़ने वाले हैं स्टोमाटाइटिस, आज हम कौन सी डिसऑर्डर पढ़ेंगे बेटा, स्टोमाटाइटिस। अब ये स्टोमाटाइटिस क्या होता है, स्टोमाटाइटिस क्या होता है, जिसमें आइटिस का मतलब तो हो गया इन्फ्लामेशन, आइटिस का मतलब क्या हो गया, इन्फ्लामेशन, आइटिस का मतलब क्या है, इन्फ्लामेशन, ठीक है। अब ये इन्फ्लामेशन क्या होता है, पहले ये समझो, जो इन्फ्लामेशन है इसमें 5 साइन आते हैं, ध्यान रखना, इन्फ्लामेशन में 5 साइन आते हैं, कौन कौन से, नंबर एक पे आता है, नंबर एक पे आता है बेटा रेडनेस, दूसरा स्वेलिंग, तीसरे नंबर का साइन रहेगा पेन, चौथे नंबर का साइन रहेगा हीट, और फिफ्थ नंबर का रहेगा बेटा लॉस ऑफ, लॉस ऑफ फंक्शन, लॉस ऑफ फंक्शन।
मतलब जहां पर भी इंफ्लामेशन होता है वहां पर ये साइन जरूर आएंगे। कौन कौन से? रेडनेस, स्वेलिंग, पेन, हीट और लॉस ऑफ फंक्शन, ये जरूर आएंगे बेटा वहां पर, ये पांच साइन जरूर आएंगे। ठीक है, तो अब समझ लीजिए स्टोमेटाइटिस क्या है। स्टोमेटाइटिस स्टमक से मतलब नहीं है इसका बेटा, अक्सर करके पूछ लेते हैं एक नंबर में स्टोमेटाइटिस क्या है, इसकी डेफिनेशन से भी सवाल आ जाता है। तो स्टोमेटाइटिस इज द इन्फ्लामेशन इनसाइड द माउथ या ओरल कैविटी की म्यूकस मेम्ब्रेन का इन्फ्लामेशन। कहां का इन्फ्लामेशन? इन्फ्लामेशन इन्फ्लामेशन ऑफ ओरल म्यूकोसा, ओरल कैविटी की म्यूकोसा का, ओरल म्यूकोसा का इन्फ्लामेशन हो जाना ही क्या कहलाता है? स्टोमेटाइटिस कहलाता है, ध्यान रखना। स्टोमेटाइटिस क्या है? स्टोमेटाइटिस क्या है? स्टोमेटाइटिस इज द सोर और इन्फ्लामेशन इनसाइड द माउथ एंड द सोर कैन बी चीक, गम, इनसाइड द लिप्स, ऑन द टंग। स्टोमेटाइटिस क्या है? ये एक सोर है। क्या है बेटा? एक सोर है, सोर कह लो, अल्सर कह लो, इन्फ्लामेशन कह लो, सोर कह लो, अल्सर कह लो, इन्फ्लामेशन कह लो। तो इन्फ्लामेशन कहाँ का इन्फ्लामेशन है बेटा? ये कहाँ का इन्फ्लामेशन है? ये इन्फ्लामेशन है चीक्स का, गम्स का, इनसाइड द लिप्स और टंग, यानी चीक में, गम्स में, लिप्स में और टंग में, यदि इन जगह बेटा इन्फ्लामेशन होता है, इन जगह की म्यूकस मेम्ब्रेन में इन्फ्लामेशन होता है, ये पांच साइन यदि देखने को मिलते हैं तो उसे हम क्या कहेंगे? स्टोमेटाइटिस। क्लियर है? अब बात करते हैं इसके कॉज की। अब इसके कॉज की बात करें तो सबसे पहला कॉज है हर्पीस सिंप्लेक्स वायरस। हर्पीस सिंप्लेक्स वायरस पहला कॉज है बेटा, हर्पीस सिंप्लेक्स वायरस, ध्यान रखना ये वायरस है, हर्पीज वायरस। उसके बाद अलावा ड्राई टिश्यू फ्रॉम द ब्रीथिंग थ्रू द माउथ, यदि किसी पर्सन के माउथ से ओरल कैविटी से होते हुए ड्राई टिश्यू है, यानी टिश्यू ड्राई हो चुके हैं, यानी ब्रीथिंग की वजह से, ड्राई ब्रीथिंग हो रही है जिसकी वजह से टिश्यू क्या हो चुके हैं बेटा? ड्राई हो चुके हैं, ब्रीथिंग के कारण ड्राई हो चुके हैं टिश्यू, जिसकी वजह से पेशेंट में अल्सरेशन होने का खतरा रहता है। अगला स्मॉल इंजरी ड्यू टू द डेंटर्स, स्मॉल इंजरी ड्यू टू डेंटर्स। अब ये डेंटर्स क्या होते हैं? डेंटर्स क्या होते हैं बेटा? डेंटर्स क्या होते हैं? डेंटर्स माने नकली दांत। डेंटर्स माने क्या होता है? नकली दांत। जो नकली दांत लोग लगवाते हैं उनकी वजह से बेटा प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है, नकली दांत, डेंटर्स। उसके अलावा तार वगैरह आपने देखा होगा लगाते हैं, उससे भी इंजरी होकर के, इन्फ्लामेशन होकर के अल्सर बन सकते हैं। उसके अलावा सीलियक डिसीज, यदि किसी पर्सन के इंटेस्टाइन में कोई डिसऑर्डर है, कोई भी इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर है, इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर है, तो भी पर्सन में क्या हो सकता है? अल्सर हो सकते हैं, अल्सर या इन्फ्लामेशन हो सकता है ओरल कैविटी में। क्यों होगा? उसके पीछे भी कारण है। इंटेस्टाइन के अंदर एक फैक्टर बनता है जिसका नाम है इंट्रिंसिक फैक्टर, इंट्रिंसिक फैक्टर जो हेल्प करता है विटामिन बी12 और फॉलिक एसिड को एब्जॉर्ब कराने में। लेकिन जब किसी पर्सन के सीलिया डिसीज होगी तो वो प्रॉपर नहीं हो पाएगा। अगला इन्फ्लामेटरी बॉबल डिसीज, यदि किसी को आईबीएस है, इन्फ्लामेटरी बॉबल डिसीज है, तो उसकी वजह से भी पेशेंट में क्या हो सकता है? इन्फ्लामेशन हो सकता है, यानी स्टोमेटाइटिस हो सकती है। अगला है फाउल सेंसिटिव टू स्ट्रॉबेरी, सिट्रस फ्रूट, कॉफी, चॉकलेट, एग, चीज और नट। यदि किसी भी पर्सन की ओरल कैविटी, ओरल म्यूकोसा, इन सभी चीजों के लिए, स्ट्रॉबेरी, सिट्रस फ्रूट, कॉफी, चॉकलेट, एग, चीज और नट्स, इन सभी के लिए बेटा क्या है? इन सभी के लिए अगर वो सेंसिटिव है, हाइपर सेंसिटिव है, तो उस कंडीशन में बेटा इन्फ्लामेशन होने का खतरा रहता है। अगला ऑटो इम्यून डिसीज, यदि किसी पर्सन की वीक इम्यूनिटी है, इम्यूनिटी वीक है, तो उस वजह से भी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर के कारण भी पेशेंट में क्या हो सकता है? ऑटो इम्यून डिसऑर्डर के कारण भी पेशेंट में क्या हो सकता है बेटा? अल्सर्स हो सकते हैं, इन्फ्लामेशन हो सकते हैं, अल्सर हो सकते हैं, इन्फ्लामेशन हो सकते हैं। उसके अलावा एचआईवी या एड्स की कंडीशन में, एचआईवी हो या एड्स हो, एचआईवी क्या होता है? ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। एड्स मतलब एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, नाम से ही क्लियर हो रहा है। ऐसी बीमारी जो किसी पर्सन में इम्यूनिटी को वीक कर देती है, या वीक इम्यूनिटी की वजह से, वीक हमारी बॉडी की सेल्स की वजह से होने वाली बीमारी या सिंड्रोम। एड्स की फुल फॉर्म क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ठीक है, डेफिशिएंसी सिंड्रोम। और सिंड्रोम मींस होता है बेटा ग्रुप ऑफ डिसीज। सिंड्रोम मींस क्या होता है? ग्रुप ऑफ डिसीज, मतलब बीमारियों का समूह, याद रखिएगा। अगला
डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B12, फॉलिक एसिड, जिंक या स्ट्रेस। अगर किसी पर्सन में इन सभी चीजों की अगर कमी होगी, विटामिन B12, फॉलिक एसिड, जिंक या स्ट्रेस स्ट्रेस रहेगा, तो उस कंडीशन में भी बेटा माउथ अल्सर हो सकते हैं, इंफ्लामेशन हो सकता है। ठीक है, अगला एक इन्फेक्शन है कैंडिडा एल्विकन इन्फेक्शन। यदि ये आपके अंदर एंटर कर जाए तो भी छाले हो सकते हैं, इन्फ्लामेशन हो सकता है। बाकी मेन ज्यादातर मोस्टली लोगों में क्या होता है, विटामिन B12 और फॉलिक एसिड, जिंक और स्ट्रेस, ये मेन कारण होता है। ये जनरल कारण है बेटा, ध्यान रखना ये जनरल कारण है। ठीक है, इसीलिए तो हम बी कैप्सूल जैसे कैप्सूल देते हैं जिनके अंदर क्या होता है, ये चीजें होती हैं। अब बात आती है साइन एंड सिम्टम्स, यानी जब किसी मरीज के ओरल कैविटी में छाले हो जाए, इन्फ्लामेशन हो तो क्या होगा उसके। नंबर एक, पहला तो पेन ड्यूरिंग ईटिंग, ड्रिंकिंग और स्वेलोइंग, मतलब जब वो व्यक्ति खाएगा, पिएगा या निगलेगा, तो उस समय उसको क्या होगा, पेन होगा, क्योंकि मैंने 5 साइन आपको इन्फ्लामेशन के बताए थे। अगला है बेटा ब्लिस्टर फॉर्मेशन, अगला क्या रहेगा पेशेंट में, ब्लिस्टर फॉर्मेशन, ब्लिस्टर माने छाले होना ही है ना। अगला स्वेलिंग ऑफ गम्स, यानी गम्स सूज सकते हैं मरीज के। नेक्स्ट फीवर भी रह सकता है अगर पेशेंट को HSV मतलब वायरल इन्फेक्शन है तो कौन सा, हर्पीज वायरस है तो। ठीक है, अगला ड्रूलिंग हो सकती है पेशेंट में, ड्रूलिंग हो सकती है। अगला डिहाइड्रेशन में आकर, और क्या हो सकता है, डिहाइड्रेशन मतलब पानी की कमी, यानी लैक ऑफ वाटर, पानी की कमी हो सकती है। ठीक है, डिहाइड्रेशन, जिससे ड्राइनेस ऑफ माउथ हो सकती है, जिसकी वजह से क्या होगा, ड्राइनेस रहेगी इन ओरल कैविटी। ठीक है, जिसके वजह से पेशेंट में पेन होगा। अगला, अब बात आती है डायग्नोस्टिक वैल्यूएशन की। तो डायग्नोस्टिक वैल्यूएशन बेटा इसका एक ही है कि डायग्नोस्टिक वैल्यूएशन हम फिजिकल एग्जामिनेशन या साइन और सिम्टम के आधार पर डायग्नोस कर सकते हैं। फिजिकल एग्जामिनेशन मतलब डायरेक्टली हम अल्सर का एग्जामिनेशन कर सकते हैं, डायरेक्टली अल्सर या इन्फ्लामेशन को बेटा देख सकते हैं, इंस्पेक्ट कर सकते हैं, या अकॉर्डिंग टू साइन एंड सिम्टम, जो ऊपर मैंने आपको सिम्टम बताए हैं, जैसे कि क्या क्या हो सकते हैं, पेन, उसके अलावा ड्राइनेस, उसके अलावा रेडनेस, उसके अलावा फीवर एटसेट्रा, ईटीसी, बहुत सारे सिम्टम हैं जिनके अकॉर्डिंग हम इसका डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन कर सकते हैं। क्लियर है, उसके बाद में अब आते हैं इसके मैनेजमेंट या ट्रीटमेंट की तरफ। तो इसका ट्रीटमेंट क्या रहेगा, यदि वायरल इन्फेक्शन है तो एंटीवायरल ड्रग देंगे, जैसे कि एसाइक्लोविर, जो कि वायरल इन्फेक्शन को बेटा ट्रीट करेगी, ध्यान रखना। यदि दर्द हो रहा है तो एनाल्जेसिक देंगे, एनाल्जेसिक क्या होती है, ऐसी दवाइयों का ग्रुप जो पेन रिलीफ करती हैं, जैसे कि एसीटामिनोफेन, जो पेन को रिड्यूस करेंगी। अगला टॉपिकल क्रीम विद बेंजोकेन की बेटा क्रीम को क्या करेंगे, अप्लाई ऑन सोर के ऊपर बेटा अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा टॉपिकल एंटीबायोटिक्स दे सकते हैं, टॉपिकल जिनको हम यूज करते हैं डायरेक्टली सोर के ऊपर। अगला H2 ब्लॉकर दे सकते हैं। H2 ब्लॉकर क्यों दे रहे हैं, H2 ब्लॉकर क्या करेंगे, HCl के सिक्रेशन को डिक्रीज कर देंगे, स्टमक के अंदर जो HCl का सिक्रेशन हो रहा है उसे डिक्रीज कर देंगे, क्योंकि स्टमक का सिक्रेशन डिक्रीज करने का मतलब ये है, क्योंकि स्टमक के अंदर बेटा अल्सर हो सकते हैं, है ना। एक अल्सर का बेटा नाम सुना होगा, पेप्टिक अल्सर, कौन सा, पेप्टिक अल्सर। अब पेप्टिक अल्सर क्या होता है, ये बहुत बड़ा सवाल है, हर किसी को पता नहीं होता। पेप्टिक अल्सर का मतलब है यदि किसी पर्सन के क्या हो, अल्सर हो, कहां हो, तीन जगह हो, है ना। यदि किसी पर्सन में तीन जगह अल्सर हो, नंबर एक ईसोफेगस, नंबर दूसरा यदि किसी पर्सन के ईसोफेगस के अलावा स्टमक में, और तीसरा इंटेस्टाइन में। ठीक है, इंटेस्टाइन में यदि ईसोफेगस, स्टमक और इंटेस्टाइन तीनों जगह अगर एक साथ अल्सर है, उस कंडीशन को हम बोलते हैं बेटा पेप्टिक अल्सर। तो ये HCl ही तो सबसे बड़ा कारण है, इसी को हम रिड्यूस कर रहे हैं, जिसकी वजह से अल्सर ना हो मरीज को, जिसकी वजह से पेशेंट में अल्सर नहीं हो। क्लियर है। चलिए, उसके बाद में अब बात करते हैं प्रिवेंशन की, बचाव कैसे कर सकते हैं इससे। तो पहला, नर्स को कुछ चीजें बेटा बतानी पड़ेंगी, समझानी पड़ेंगी,
जैसे कि यूजिंग द एंटीसेप्टिक एंड नॉन एल्कोहलिक माउथ वॉश, आपको ऐसी माउथ वॉश यूज करना चाहिए जिसमें नॉन एल्कोहलिक चीजें हो, एल्कोहल की मात्रा ना हो, एंटीसेप्टिक हो, है ना। अगला ट्रीटिंग क्रॉनिक ड्राई माउथ, आपको बेटा ड्राई माउथ को ट्रीट करना है ड्राई माउथ को, मतलब लिक्विड डाइट लेनी, देते रहना है माउथ को। बेटा क्या करना है आपको, बेटा माउथ को डायरेक्टली क्या करना है, बार बार से आपको लिक्विडिफाई करना है, मतलब बार बार ऐसे सॉल्यूशन, ऐसे इंस्ट्रूमेंट यूज करने हैं जिससे ड्राईनेस ना हो। अगला यूज ए सॉफ्ट टूथब्रश, टूथब्रश बेटा हार्ड नहीं होना चाहिए, सॉफ्ट यूज करना है। अगला मेंटेन प्रॉपर न्यूट्रिशन एंड हाइड्रेशन, भाई देखो मैंने आपको बताया था न्यूट्रिशन, जैसे कि विटामिन B12 आपको क्या लेना है, विटामिन B12 ज्यादा से ज्यादा लेना है और फॉलिक एसिड लेना है, फॉलिक एसिड लेना है। दोनों की कमी की वजह से पेशेंट में अल्सर होते हैं, अल्सर या स्टोमाटाइटिस होती है, अल्सर या स्टोमाटाइटिस होती है, ठीक है ना। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फॉलिक एसिड और विटामिन B12 भरपूर मात्रा में लेनी पड़ेगी और हाइड्रेशन करना पड़ेगा, मतलब पानी ज्यादा से ज्यादा पीना पड़ेगा, आप 100% बेटा ठीक हो जाओगे। उसके अलावा शुड डेली डेंटल केयर, आपको क्या करना है, डेली डेंटल केयर करनी है, मतलब दांतों की सफाई करनी है प्रॉपर, दांतों की प्लस ओरल कैविटी की, ओरल कैविटी की बेटा क्या करनी है आपको, क्लीनिंग करनी है, क्या करनी है, क्लीनिंग करनी है, ध्यान रखना। उसके अलावा नेक्स्ट अगर हम बात करें नर्सिंग मैनेजमेंट की, तो नर्सिंग मैनेजमेंट क्या रहेगा, वी शुड प्रोवाइड ओरल हाइजीन विद सूथनिंग सॉल्यूशन ऑफ द पेशेंट, यानी आपको क्या करना है, ओरल हाइजीन देना है, क्योंकि कई कई सारे सॉल्यूशन आते हैं, सूथनिंग सॉल्यूशन आते हैं उनसे। अगला शुड एडवाइज द पेशेंट टू टेक सॉफ्ट ब्लेंड डाइट, मतलब मरीज को हमें बेटा ये सलाह देनी है कि सॉफ्ट डाइट ले, सॉफ्ट लिक्विड डाइट ले, जिससे उसको निगलने में परेशानी ना हो, पेन ना हो, दर्द ना हो, ठीक है, और जिससे आसानी से वो पच जाए, तो इंडाइजेशन भी नहीं होगा, इंडाइजेशन हुआ तो फिर से प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगी। अगला विटामिन सप्लीमेंटेशन शुड बी गिवन, आपको प्रॉपर बेटा विटामिन सप्लीमेंटेशन लेना है, जैसे कि उदाहरण के लिए विटामिन B12। अगला अप्लाई ग्लिसरीन ऑन द अल्सर, अल्सर के ऊपर बेटा आप ग्लिसरीन यूज कर सकते हो। अगला एडवाइज द पेशेंट टू अवॉइड द कॉन्ट्रेक्शन ऑफ माउथ विद केमिकल, सॉरी कॉन्टेक्ट विद माउथ ऑफ माउथ विद केमिकल, आपको बेटा केमिकल के कॉन्टेक्ट को अवॉइड करना है, केमिकल के कॉन्टेक्ट को बेटा अवॉइड करना है, ध्यान रखना। अगला अवॉइड यूज ऑफ इरिटेंट, जो भी इरिटेंट आपके माउथ को, ओरल कैविटी को इरिटेट कर रहे हैं, उनसे आपको दूर रहना है। उसके बाद में लास्ट पॉइंट, नर्स शुड इंस्ट्रक्ट टू कंप्लीट द रेस्ट्रिक्शन ऑफ एल्कोहल स्मोकिंग एंड टोबैको। यदि कोई पर्सन क्या करता हो, एल्कोहल लेता हो, स्मोकिंग करता हो, टोबैको खाता हो, तमाकू खाता हो, तो उस मरीज को आपको विशेष ध्यान रखना है, उस मरीज में आपको विशेष ध्यान रखना है, इन सब चीजों को अवॉइड कराना है यदि उसको ठीक रहना है तो, यदि उसको अल्सर में अपना ठीक करना है, अल्सर को ठीक करना है तो। क्लियर है बेटा, क्लियर है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच। आज हमने स्टोमेटाइटिस के बारे में पढ़ा, जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम की फर्स्ट डिसऑर्डर है, ओरल कैविटी से रिलेटेड डिसऑर्डर है। यदि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, इसी तरह से बेटा मिनी अटेम्प्ट को प्यार देते रहें और चैनल को सब्सक्राइब करते रहें और वीडियो को बेटा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक फैलाएं। मैं आपको हमेशा कहता हूं बेटा, जो मैं मेहनत कर रहा हूं वो रंग तभी लाएगी जब आप सपोर्ट करोगे, जब आप उसको फैलाओगे। यदि आप उसको नहीं फैलाओगे तो मैं जिस पर्पस से, जिस मोटिव से काम कर रहा हूं कि मेरा मतलब है या मेरा मानना है या मेरा मोटिव सीधा सीधा सा है कि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट जो सच में ही बेटा जरूरतमंद है, जो फाइनेंशियली प्रॉब्लम में है या और किसी अदर प्रॉब्लम में है, तो या कॉलेज नहीं जा पा रहे हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट में नहीं जा पा रहे हैं, तो वो अपना यूट्यूब से बेटा बिल्कुल फ्री अपनी स्टडी कर सके। मैं मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग में एक अच्छे मार्क्स गेन कर सके, एनाटॉमी फिजियोलॉजी में अच्छे मार्क्स गेन कर सके, उसके लिए बेटा मैं आपको तैयारी करा रहा हूँ। लेकिन ऐसा ना हो कि आप लोगों तक ही तैयारी सीमित रह जाए, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ, अपने क्लासमेट के साथ, अपने बेटा कॉलेज ग्रुप में, अपने यूनिवर्सिटी के ग्रुप में, बेटा सब जगह आप इसको फैलाइए। यही मेरे लिए बेटा आपके द्वारा दी गई गुरु दक्षिणा होगी, ठीक है ना। तो चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच। अच्छा एक इम्पोर्टेंट बात और, जो स्टूडेंट एनाटॉमी फिजियोलॉजी की तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं, भाई ऐप यूट्यूब से पढ़ने के बाद में आपको लगता है कुछ एक्स्ट्रा पढ़ा जाए, तो उसके लिए आपको क्या करना है, प्ले स्टोर से अपना एप्लीकेशन है बेटा, ऐप डाउनलोड करना है जिसका नाम है मिनी अटेम्प्ट ई क्लासेस, ठीक है बेटा। इस ऐप को डाउनलोड करिए और डाउनलोड करने के बाद आप इसमें बेटा रजिस्टर्ड हो जाइए, रजिस्ट्रेशन करिए,
रजिस्ट्रेशन करिए, है ना। और उसके बाद आपको क्या मिलेगा, आपको क्या मिलेगा बेटा, क्लासेस मिलेंगी इसके अंदर, क्लासेस मिलेंगी, नोट्स मिलेंगे, साथ में टेस्ट भी आपके बेटा इसमें होंगे। साथ में बेटा सबसे इम्पोर्टेंट बात, इसमें टेस्ट भी होंगे आपके, टेस्ट भी होंगे, क्लियर है। इसमें जो मैंने एनाटॉमी का कोर्स बना रखा है, जो एनाटॉमी का बेटा जो कोर्स है, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का, फिजियो का जो कोर्स है वो कितने का है, 2999 का कोर्स है बेटा, 2999 का कोर्स है, ध्यान रखना। मात्र 2999 में आपको क्लासेस भी मिलेंगी, नोट्स भी मिलेंगे, टेस्ट भी मिलेंगे, और डाउट डिस्कशन भी होगा, डाउट डिस्कशन भी होगा, है ना। और ये बिल्कुल फ्रेशली प्रिपेयर्ड बेटा क्लास रहेंगी। जाइए जल्दी से बेटा प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए, और साथ में जो जीएनएम के स्टूडेंट हैं, जो जीएनएम के बेटा स्टूडेंट हैं, उनके एग्जाम के लिए संजीवनी बैच, संजीवनी बैच है, संजीवनी बैच, जो कि मात्र 999 में है बेटा, जिसमें आपको यही सारी चीजें मिलेंगी। लेकिन ये एग्जाम को ध्यान में रखते हुए, आपके एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए, ये एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए, ठीक है। मुझे बस इतनी जानकारी देनी थी, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट सभी को, जय हिंद जय भारत।